चलो अब मेरे साथ लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। चौरास पंपिंग योजना के इस शुभ अवसर पर अभी हम सब लोग जिनका उद्बोधन यहाँ सुन रहे थे, ऐसे आप सबके बीच में से जिन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन को शुरू किया था, अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो तब वो बता रहे थे कि ये इस गांव में मैं पढ़ा हूँ, इस गांव में मैं बड़ा हुआ हूँ, यहाँ श्रीनगर जो हमारा हेमती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है, उस विश्वविद्यालय में मैंने अपने प्रारंभिक जीवनों की शुरुआत करी है। और जब बोलते बोलते मैं भी कह रहा था भाई साहब से, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, कि आप जो है पहले कह रहे थे कम बोलूंगा, लेकिन आप यहाँ बिल्कुल जो है वो हो गए, आप लोगों को देख के बिल्कुल भावुक हो गए। ऐसे मेरे बड़े भाई हमारे इस सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, और जो धीरे धीरे अपनी शुरुआत करते हैं, जब बोलते हैं तो थोड़ा आवाज कम थी उनकी, लेकिन बोलते बोलते और कम बातों में ज्यादा बोल जाते हैं, यानी कि कम बोलना उसका ज्यादा अर्थ होता है। ऐसे हमारे सरकार के कृषि मंत्री जो लगातार, और हमारी सरकार के प्रवक्ता भी हैं, आप उनको देखते होंगे कि हमेशा सरकार का पक्ष अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार आप सब लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, आदरणीय सुबोध उनियाल जी। और वास्तव में आज मैं बड़ा अभिभूत हूं, एक बात के लिए मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ये लंबे जब भाषण चलते हैं ना, तो भाषण के बीच में कुछ लोग उठ के जाना शुरू हो जाते हैं, और वो इसलिए नहीं जाते कि वो आने वालों का भाषण नहीं सुनना चाहते, वो भाषण तो सुनना चाहते हैं, लेकिन किसी को घर का काम पड़ जाता है, किसी के बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, किसी का कुछ और पहले से फिक्स कार्यक्रम होता है। लेकिन आप लोगों को देखकर मैं सही में अभिभूत हूं कि आप लोगों में से एक भी अभी तक उठ के नहीं गया, और आप सबके बीच में आज जिसने मुझे बुलाया, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को बुलाया, हमारे सुबोध भाई को बुलाया, सबके बीच में सेतु का काम किया है। और ये विनोद, इसको जो है मैं बचपन से जानता हूँ, ये बड़ा जिद्दी भी है, वैसे कई चीजों में जिद करता है, बाल हट की तरह अभी भी, अब विधायक हो गया है, 5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी इसकी वैसी आदत है। जब मैं श्रीनगर आया था पहली बार, तो इसको मैंने बताया नहीं कि मैं श्रीनगर आया हूँ, इसने पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के जो है ये रात में 12 बजे मेरे पास पहुंच गए थे, श्रीनगर गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में। अब जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, तो ये कभी इधर उधर की बात नहीं करता है, आया उस दिन कि भाई साहब मेरे देवप्रयाग क्षेत्र में ये करना है, आपने मेरे यहाँ की ये पंपिंग योजना करनी है, यहाँ आपको यहाँ पर पुल बनाना है, यहाँ मेरी ये सड़क बनानी है, यहाँ मेरे विद्यालय का उच्चीकरण करना है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है, अगर ये 24 घंटे में से अगर ये 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे सोता होगा, तो सोने में भी सपने में इसको यही आता होगा कि वहाँ मेरी अम्मा बू, यहाँ मेरी दीदी भूली बहनी कहीं कुछ कह रही होगी, किसी के लिए कुछ काम करना है, या कोई भाई मेरा कुछ कह रहा होगा, तो हर समय इसके सपने में भी आप ही लोग रहते हैं। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, ऐसा मैंने कोई विधायक नहीं देखा पूरे उत्तराखंड में जो अपने क्षेत्र की इतनी चिंता करता हो। ऐसे मेरे भाई विनोद कंडारी जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, जो लगातार पार्टी की योजना रचना करते हैं, लगातार पूरे संगठन को टिहरी जनपद के पूरे प्रवास में रहते हैं, भाई विनोद रतोड़ी जी, हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्ष, और वास्तव में वो कहते हैं क्या,
झांसी की रानी क्या कह रहे थे भाई साहब आप? जोधा भाई और योधा भाई की तरह, जिन्होंने यहां से अभी भाषण दिया और मैं भी आज पहली बार उनका भाषण सुन रहा हूं, हालांकि वो टेहरी में गया था उस दिन, शायद नहीं बोली थी है। तो जोधा भाई और योधा भाई की तरफ बोलने वाली हमारी झांसी की रानी, हमारी बहन सोना सजवाण जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री के नाते काम करते हैं भाई अब्बल सिंह बिष्ट जी, हमारी बहन नगर पंचायत की अध्यक्ष कैलाशी जाखी जी, सोहन सिंह पवार जी भाई ब्लॉक प्रमुख, सूरज पाठक जी ब्लॉक प्रमुख, अशोक तिवारी जी मंडल अध्यक्ष, श्री केदार सिंह बिष्ट जी मंडल अध्यक्ष ग्रामीण, श्री नरेंद्र भंडारी जी मंडल अध्यक्ष, श्री रघुवीर पवार जी पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री विजय राम गोदियाल जी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, श्री जयपाल मियाँ जी पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष, श्री महिपाल सिंह बटोला जी जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती आशा, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र छायाकार बंधुओं, पत्रकार मित्रों छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया और जितने भी लोग जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, मेरी आप सबको मैं सबसे पहले तो आज इस पंपिंग योजना के प्रारंभ अवसर पर आप सबके बीच में आया हूँ, आप सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आज बड़ा शुभ अवसर है कि बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, मेरे मन में एक ही बात है विद्यार्थियों के बीच में, ये मेरा भी प्रिय विषय है क्योंकि मैं भी लंबे समय तक विश्वविद्यालय में रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रहा हूँ और पूरे उत्तराखंड के अंदर, जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष होता था पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं गया हूँ और मैंने देखा है कि नौजवानों के अंदर किस प्रकार की उनकी परेशानी है, किस प्रकार की उनकी जरूरत है, किस प्रकार की आवश्यकता है। तो पहले दिन हमने जब मंत्रिमंडल की बैठक करी थी तो पहले दिन ही हमने तय किया था कि जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली हैं, जितने भी पद रिक्त हैं, उन सभी रिक्त पदों को हम भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और मुझे आप सबके बीच में बताते हुए बड़ी खुशी हो रही, जब मैंने ये घोषणा करी थी या हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया था तो दूसरे दिन मैं देख रहा था कि अखबारों में कुछ बयान आए थे और वो बयान उन्हीं के आए थे जिन्होंने अपने समय में केवल घोषणाएं करी थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, हजारों घोषणाएं करी हजारों, और हजारों घोषणाएं छोड़िए आप, सैकड़ों भी धरातल पर नहीं उतरी, सारी हवा ही साबित हुई। और हमारी सरकार ने घोषणा करी कि हम 24,000 पदों को भरेंगे, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप 24,000 पदों में 10,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और आने वाले 4-5 महीने में सारे के सारे जो विज्ञापन है वो निकल जाएंगे, सारे अध्याचन हो जाएंगे। कोरोना महामारी में हमारे जो बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई जो सरकारी रोजगार में जाना चाहते थे, उनको बहुत सारे फार्म भरने के लिए नहीं मिले, बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई, बहुत सारे लोग कोरोना के कारण से उन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो हमने तय किया कि हम सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए अब 1 साल अतिरिक्त आयुष सीमा बढ़ाएंगे, जिससे कि सभी भाई बहनों का उन जो 1 साल उनका खराब हुआ है वो 1 साल खराब नहीं होगा, 1 साल का अवसर उनको फिर से मिलेगा। इसी प्रकार से अब पिछले साल से कोरोना महामारी आ गई, 4 धाम यात्रा चल नहीं पाई, काम धंधे चल नहीं पाए, जो व्यापार था वो चल नहीं पाया, तो अब वो कोई फार्म भरेंगे, किसी परीक्षा में जाना चाहते हैं, कोई फार्म भरना चाहते हैं बच्चे, अब हम सभी भाई बहन वो अपने फार्म भर सकते हैं। ये हमने इस क्षेत्र में किया, जैसे अभी ये डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने बताया, उपनल कर्मचारी हमारे बहुत लंबे समय से हड़ताल पर थे, उनकी मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, हम लोगों ने फैसला किया कि अब हम जिनकी 10 साल की सेवा हो गई है उनको 2,000 रुपए उनके मानदेय में वृद्धि कर रहे हैं, और जिनकी 10 साल से ऊपर की सेवा हो गई है
उनके हम मानदेय में 3,000 रुपए की वृद्धि कर रहे हैं। हमारी आशाएं बहने पूरे प्रदेश के अंदर पिछले कई महीनों से, कई सालों से उनकी मांग चल रही थी। एक दिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में गया था, तो वहां मैंने देखा कि 1,500 आशाएं जो है वो क्या कर रही थी, वो कह रही थी हम मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे। तब मुझे बने हुए 1.5 महीने हुए थे, तो मैंने कहा भाई अभी मुझे बने हुए 1.5 महीने हुए हैं, आप ऐसा करो 1,500 लोगों से तो अभी यहां पर मिलना संभव नहीं है, आप इसमें से 8-10 लोग आ जाइए, आप लोग 8-10 बहनें यहां आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो वो 8-10 बहनें आई तो बोली कि अरे आप तो पहले विधायक थे, तो आप रोज हमारे मुद्दे उठाते थे, रोज हमारे लिए पत्र लिखते थे, और अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए हो, अब आपने हमारी मांग पूरी नहीं करी, हम बड़े नाराज हैं आपसे। तो मैंने कहा आप नाराज हो, अभी मुझे बने हुए कितने दिन हुए? तो बोले 1.5 महीने हुए। तो मैंने कहा ये मांग आपकी कितनी पुरानी है? तो बोले ये मांग हमारी जो है 15 साल पुरानी है। और मैंने कहा मुझे बने हुए अभी 1.5 महीने हुए हैं, तो नाराज मुझे होना चाहिए कि नाराज आपको होना चाहिए, पहले बताइए। तो 10 की 10 चुप हो गई। मैंने कहा एक तरफ कह रहे हो कि आप हमारे भाई हो, आप हमारी बात समझते हो, हमारी परेशानी जानते हो, मैंने कहा कुछ समय तो दोगे, कुछ समय तो देना चाहिए, जब 15 साल पुरानी मांग आप सोच रहे हो 1.5 महीने में पूरी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हम, हमारी सरकार आपके लिए रास्ता निकालेगी, अच्छा रास्ता निकालेगी, और हमने सारे मंत्रिमंडल ने हमारा तय किया कि हम इन बहनों को आप 6,500 रुपये देंगे, और 1,500 रुपये हमने उनके मानदेय को बढ़ा दिया। अच्छा लगा, बहुत सारी बहनें बहुत सारी जगह पर धन्यवाद करने भी आई। इसी प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में जो काम किया था, हमारी आंगनवाड़ी की बहनों ने काम किया था, सभी को हमने 2,000 रुपया DBT के माध्यम से उनके खातों में देने का काम हो रहा है। अब आंगनवाड़ी वालों का भी है, अब आशा बहनों का हो गया है, आंगनवाड़ी का भी हमने फैसला कर लिया है, नहीं फैसला कर लिया है, और दीपावली से पहले हम उन बहनों को भी अच्छा सा तोहफा देने वाले हैं। इसी प्रकार से अभी बिजली कर्मचारी थे, बैठे हैं भाई साहब, हमारे बिजली मंत्री भी हैं, उनकी भी कई सालों से मांग चल रही थी, कई सालों से वो हड़ताल करने लगे, उन्होंने पूरा अल्टीमेटम दे दिया कि हम जो है सारा चक्का जाम कर देंगे, सारा खत्म कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। आपने 3 दिन तक उनसे बात करी, कुछ माने कुछ नहीं माने, अंत में फिर बैठक हुई हमारी, उस बैठक में मैं भी था, तो हम लोगों ने कहा भाई आपकी कितनी मांग है बताइए, बोले 12 मांग है हमारी, तो 12 में से 8 में सहमति बन गई। हमने कहा 8 में बन गई है, अब 4 रह गए ना, जब 8 हम मान गए हैं आपकी, तो 4 के बारे में बाद में बात करेंगे, आप सकारात्मक रुख अपनाइए और प्रदेश के हित में आप भी आगे आइए, हम जब बीच का रास्ता निकाल लें। तो वो भी मान गए और उनकी भी हड़ताल खत्म हो गई। यानी कि सरकार हर क्षेत्र में हम जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे ग्राम प्रधानगण यहाँ पर मिले थे, ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष भी मिले थे, तो मैंने कहा आप तो आप खुश हो, आप लोगों की भी लंबे समय से मांग थी कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। हमने फैसला किया कि आप ग्राम प्रधान भी हमारे जो है समाज के अंतिम छोर में काम करते हैं, सीधे सीधे एक कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करते हैं, लोगों की सेवा का काम करते हैं, तो उनके लिए भी आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका भी कोई मानदेय बढ़ना चाहिए, उसको हमने 3,500 रुपये कर दिया है। और जब घोषणा करी तो इनके एक भास्कर सम्मल है ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष, पहले तो नाराज हो गए, एक दिन बोले कि हम बहिष्कार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, 2-4 दिन उनसे सबर नहीं हुआ। और मेरे को जो है एक दिन कहीं पर उन्होंने पुतला भी जला दिया। अब मैंने कहा भाई तुम सोच रहे होगे कि पुतला जलाने से तो हम ये काम करने वाले नहीं हैं, जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं होगा, जब हम सारी चीजों के लिए रास्ता निकाल रहे हैं, सब में बात करने के लिए आगे आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी है, क्या नारा है प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास।
सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्राम प्रधानों के लिए हमने घोषणा करी कि हम इनका मानदेय बढ़ाएंगे और उसका आप शासनादेश भी कर दिया है, अब उनको सीधे उनके पैसे इसी महीने से उनके खाते में आने भी शुरू हो जाएंगे। अभी योजना और चलाई है, अभी हमने वहां पीठसेड़ में घोषणा करी है कि हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक योजना चलाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश क्या है, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि हमारे यहां हर परिवार से लोग सेना में जाना चाहते हैं, और आज भी हमारे सब परिवारों में किसी के मामा सेना में होंगे, किसी के चाचा सेना में होंगे, किसी के फूफा सेना में होंगे, कोई भतीजा होगा, कोई भांजा होगा, सेना में हमारे यहाँ हर दूसरे परिवार से कोई ना कोई होता है। तो सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है उनको प्रशिक्षण ठीक से हो जाए, वो अपनी तैयारी ठीक से कर ले, भर्ती की तैयारी कर ले। कोई अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं तो अर्धसैनिक बलों में जाने के लिए, या कोई शारीरिक अपना विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कहा कि स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से अब हम एक योजना चला रहे हैं। उस योजना के तहत प्रत्येक गांव में जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें होंगी, हर ग्राम पंचायत में एक हम जो है ओपन जिम खोलेंगे, पैरेलल बार ओपन जिम के, जिसमें सब कुछ होगा उनके उसके करने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए। इसका भी जल्दी हमारा शासनादेश निकलने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 207 जांचें मुफ्त में करने वाले हैं। अभी तक आपको ये जो आयुष्मान भारत जो योजना मोदी जी ने चलाई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य का आप इलाज एक साल के लिए मुफ्त में करवाने की योजना है। एक तरह से कि वो बीमा दिया हुआ है 5 साल का प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और उस योजना का भी लाभ सबको मिले। उसके लिए हमने कहा है अभी तक सभी को वो कार्ड मिल जाए। पहले कार्ड बनाने के लिए 25 रुपए 30 रुपए जो उसका शुल्क लगता था, हमने कहा कि सारे का सारा निःशुल्क होगा, अब कार्ड बनाने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। और सरकार का 460 करोड़ रुपया अभी तक इस योजना में खर्च हो गया है। हम सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से हमारा एक तरह से पूरा फोकस है, पूरा हमारा एक केंद्र है वहां पर, कि हम चाहते हैं कि सारे सरकारी अस्पताल उस योजना का लाभ ठीक से लोगों को दें। इस क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। हमारे जो बच्चे CDS की तैयारी करते हैं, NDA की तैयारी करते हैं, लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, जो भी प्री एग्जाम निकालेंगे, समूह गौ की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो प्री एग्जाम निकालेंगे उन बच्चों के लिए 50,000 रुपये मेन की तैयारी करने के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। हमशाला का इनका उद्घाटन भी हो जाएगा, और चेतावनी दी कि ये 2013 से भी ज़्यादा भयंकर बारिश आने वाली है, ज़्यादा बरसात होने वाली है। तो सारे काम छोड़ के हम यहाँ पहुँचे, यहाँ आए, सारी मीटिंग करी, रात तक मीटिंग करी। हमने सभी से अनुरोध किया जो यात्रा में आए हुए लोग थे कि आप एक दिन के लिए यात्रा रोक दीजिए, सारे स्कूल हमने बंद कर दिए। और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा आपके सामने कि 1.5 लाख लोगों में से बाहर से आए हुए एक व्यक्ति को भी नुकसान नहीं हुआ है, एक की भी जान नहीं गई। अन्यथा अगर हमने पहले से इतना अलर्ट नहीं किया होता तो उस दिन हजारों जाने जा सकती थी। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार से मैं जो चारधाम यात्रा के बारे में आपको बता रहा था, तो चारधाम यात्रा चलाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। अब चारधाम यात्रा चल रही है, और अभी 5 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ जी में आ रहे हैं, और जो काम पिछले सैकड़ों सालों में किसी ने सोचा भी नहीं था, कोई जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, वो काम भव्य केदारपुरी के निर्माण के रूप में 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का उस दिन शिलान्यास और लोकार्पण दोनों होने वाला है। और जिन शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, उन शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होने वाला है। और उस दिन केवल केदारनाथ जी में कार्यक्रम नहीं होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लोकार्पण कार्यक्रम, ये अनावरण कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। यानी कि जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सारे ज्योतिर्लिंगों पर होने वाला है, जितने शंकराचार्य जी के मठ हैं चारों मठों में कार्यक्रम होने वाला है, शंकराचार्य जी की जो जन्मस्थली है केरल वहाँ पर भी वो कार्यक्रम होने वाला है।
तो इस प्रकार से लगातार उत्तराखंड के प्रति जिस प्रकार का लगाव प्रधानमंत्री जी का है, अभी आपदा आई, मैंने उनसे कहा कि हवाई सेवाओं की आवश्यकता है, उन्होंने सीधे 3 हेलीकॉप्टर यहां सेना के भेज दिए, जिनने सैकड़ों लोगों को, 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई है। अभी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने बताया आपको कि ये रेल के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, जो रेल पहाड़ के अंदर चढ़ रही है, 2024 तक ये योजना पूरी होने वाली है। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश, आपके यहाँ का भी स्टेशन उसमें शामिल है, सारे लोग आप लोग रेल से जाएंगे, इतना आसान सफर हो जाएगा। ये काम कोई कर नहीं सकता, कोई सपने में भी सोच नहीं सकता, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं, हवाई सेवाएं हम कर रहे हैं, पूरी हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हो रहा है। हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आज देश के अंदर जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, आप देखिए कि अब सब माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम हुआ, आयुष्मान भारत की योजना देने का काम हुआ, हर घर में शौचालय देने का काम हुआ, जो आजादी के इतने वर्षों तक कभी हो नहीं पाया वो काम हुआ। और सबसे बड़ी बात, शक्तिशाली भारत के रूप में भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बन रही है। के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने आकर इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा भी 24 घंटे में से जितने घंटे मेरी अंदर चेतना रहती है, उतने घंटे मैं भी सोचता हूं कि उत्तराखंड के कोने कोने में रहने वाले हर भाई बहन, हर माता, हर हमारे बड़े बुजुर्ग, सबके चेहरों में मुस्कान लाने के लिए जो जरूरी है वो काम हम करना चाहते हैं। वे हमारी भावना है और ये भावना को हम आगे आपके बल पर आगे बढ़ा रहे हैं। ये भावना और बलवती होगी जब आपका समर्थन होगा। इस क्षेत्र में देवप्रयाग के अंतर्गत हिंडोला खाल ब्लॉक भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। चौरास पुल से जाखड़ी, नेथाड़ा, रानीहाट, कीर्ति नगर तक आस्था पथ का निर्माण कार्य किया जाएगा। जखलेश्वर महादेव का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। कीर्ति नगर तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज किलकेश्वर की विशेष मरम्मत व चार दीवारी हेतु धनराशि दी जाएगी। विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किलकेश्वर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सेंद्री सुपाणा मोटर मार्ग प्रथम चरण का निर्माण कार्य किया जाएगा। नेथाड़ा बिंदीगेरा गुठाई नैनीसेण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। थापली मड़ी कॉलोनी में सीसी सड़क की लंबाई 3 किलोमीटर, उसका भी नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।